हाँ जी दोस्तों, आज के इस लेसन में आपको एक बहुत ही हिट और फेमस गाना सिखाने जा रहा हूँ। और ये जो गाना है हर कोई बजा सकेगा। अगर आप लोग नया नया हारमोनियम सीख रहे हैं तो आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल गाने सीखने चाहिए पहले, क्योंकि अगर सिंपल गाने बजाने आ गए तो ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम आपको मुश्किल गाने भी बजाने आ जाएंगे। तो ये गाना जो मैं बजाने जा रहा हूँ, दीदी तेरा देवर दीवाना, जैसे कि आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा, बड़े आसान तरीके से बताऊंगा और इसकी नोटेशन भी आपको इस वीडियो में डिस्प्ले होगी। कुछ मिनटों में आप इस गाने को बजाना सीख जाएंगे अगर आप थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं। बहुत आसान गाना है, कुछ नहीं है। और बता दूं, इसको हम तीसरी काली से निकालेंगे। तीसरी काली हमारा सा है। और मैं अक्सर अपने वीडियोस में, मैंने बताया आपको, मैं अभी पिछले 2-3 दिन से वीडियोस डाल रहा हूँ कि गाना कहाँ से उठता है। तो मैंने आपको उस गाने में एक रूल बताया था कि गाना जा तो सा से उठता है, जा गा से उठता है, या फिर पा से उठता है। इस गाने में भी कुछ ऐसा ही कि गाना सा से उठ रहा है और इसका अंतरा पा से उठ रहा है। तो चलिए इस गाने को शुरू करते हैं। और साथ के साथ आपको नोटेशन भी डिस्प्ले होती रही सॉरी साथ में आपको नोटेशन भी डिस्प्ले होगी। और चलिए गाने को शुरू करते हैं। पहली लाइन है दीदी तेरा देवर दीवाना। सबसे पहले बजाना कैसे है? सिंपल तरीका है, देखिए मैं कैसे बजा रहा हूँ, आप बस उसको फॉलो करिए। ये बन गया दीदी तेरा देवर, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे है? ये 4 स्वरों पर आपका बन रहा है दीदी तेरा देवर। दोबारा देख लीजिए, उसके बाद दीवाना। दीवाना कैसे बज रहा है? दोबारा देखिए कैसे मैं बजा रहा हूँ, पहले लाइन पूरी कंप्लीटली बजा रहा हूँ। फिर से देखिए, उसके बाद दूसरी लाइन सीखनी है आपको। दूसरी लाइन में क्या है? हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, वो लाइन शुरू होगी यहाँ से। अभी स्लो में बता रहा हूँ, एक उंगली से देखिए कैसे, ये बन गया हाय राम। दोबारा देखिए, कुड़ियों को डाले दाना। इसे देखिए, सॉरी दोबारा देखिए, अभी ये दोनों लाइन एक साथ बजा के दिखा रहा हूं मैं आपको, ये आपका स्थाई पार्ट है। दोबारा देखिए, अगर आपने ये सीख लिया समझ लीजिए आपका स्थाई पार्ट, आपने आधा गाना बजाना सीख लिया। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है, नेक्स्ट पार्ट आता है गाने का, धंधा है ये उसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दान, तो ये सेम ही बजेगा। देखिए कैसे है, इस तरीके से बजेगा। अभी यही चीज मैं आपको कोर्स के साथ बजाता हूँ। तो पहली लाइन पे जो कोड लगेगा वो ये लगेगा, देखिए एक ये कोड लग रहा है सागा पा, और दूसरा कोड लग रहा है नी रे नी रे मा। ये दो कोड लग रहे, पहला कोड सागा पा है, दूसरा कोड है नी रे मा, मंत्र सप्तक का नहीं है। अभी देखिए इनको कैसे यूज करना है, जैसे हमने पहली लाइन बजाई, देखिए पहली लाइन पे आपका ये कोड लगेगा, जैसे आपका लाइन खत्म होगी दीदी तेरा देवर दीवाना, दीवाना जब खत्म करेंगे तो आपको तुरंत कोड लगाना नी रे मा। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। जब दूसरी लाइन खत्म करेंगे तो आपका ये कोड आएगा सागा पा। तो ये लाइन आपने कोर्स के साथ भी देख लिया। अभी अंतर पाठ की तरफ बढ़ते हैं। अंतर पाठ में भी सिर्फ आपको 2 लाइनें सीखनी है, 2 लाइनों पर पूरा गाना आपका फिनिश हो जाएगा। यानी कि सिर्फ इस गाने में 4 लाइनें हमने सीखनी थी, जिसमें से हमने 2 लाइनें सीख ली हैं स्थाई के, भी 2 बाकी हैं अंतरा की। अंतरा की जो बोल है वो पास उठेंगे, और गाने के जो बोल है, मैं बोली की लाना तू इमली का दाना, तो वो लाइन देख लीजिए यहाँ से पास ही उठ रही है। ये बन गया मैं बोली की लाना। दोबारा देखिए, स्लो में देखते हैं, उसके बाद तू इमली का दाना, सेम
सिर्फ 300 लग रहे हैं इसमें, इसमें जो 300 यूजर है गा मापा, सिर्फ 300 पर ये पूरी लाइन बज रही है। देखिए कैसे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है मगर वो छवारे ले आया दीवाना, तो वो पार्ट, वो लाइन देखते हैं। ये लाइन कैसे है, मगर वो छवारे, देखिए तो कैसे है, दोबारा देखिए, ये बन गया मगर वो छवारे, देखिए फिर ले आया दीवाना, फिर उसके बाद सेम वही पार्ट आ जाएगा। इस तरीके से ये सिंपल सा गाना है, इसमें कुछ नहीं सीखना है आपको। मैंने हर एक लाइन की नोटेशन भी आप ऊपर वीडियो में दे रखी है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस वीडियो में, इस गाने में कोई दिक्कत आनी चाहिए। बहुत सरल तरीके से इस गाने को मैंने बताया, बहुत सरल तरीके से बजा के दिखाया, हर एक लाइन की नोटेशन आपके लिए हाजिर है इस वीडियो में। फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, वीडियो को स्लो कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।